नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 हो गया था क्या? नहीं अभी हुआ? नहीं, 3 में क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब एक नंबर इनपुट लेना है, उसका डिजिट का एवरेज निकाल करके प्रिंट करना है। हाँ, इसमें देखिए दो है ना आंसर छुपा हुआ, मतलब कि दो प्रॉब्लम जो बनाए हैं ठीक है वो छुपा हुआ, एक काउंट करने वाला और एक सम करने वाला है ना, ये दोनों इसमें आपको इस्तेमाल करना होगा ठीक है। देखिए ये है आपका सम निकालने वाला ठीक, और एक इसके पहले बनाए थे काउंट करने वाला ऐसे ठीक है ऐसे है ना। तो देखिए ये सम निकाल रहे हैं और उसी के नीचे हम ये कर देते हैं काउंट ऐसे ठीक है। तो देखिए जितना डिजिट का ये सम निकालेगा उसको ये गिनेगा भी, और इसी तरह से लास्ट में अगर हम इसको ऐसे कर दें S/C है ना, मतलब जो सम निकला है वो जो काउंट किए हैं वो ये एवरेज निकाल देगा है ना, लेकिन एवरेज पॉइंट में आ सकता है, इसलिए आप ऐसा करेंगे ये सब का ठीक है फ्लोट में डिक्लेयर कर दीजिए दोनों का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्लोट S=0 और C=0 है ऐसे, और लास्ट में इसको पेंट कर दीजिए ऐसे है ना। अब हम इसको करके देखते हैं, लेकिन ये इवेन का एवरेज निकाल रहा है, ऑड का नहीं, क्योंकि ऑड वाला हम लोग सिंबल अभी इस्तेमाल किए नहीं है, तो नंबर दिए ये है ना, इसमें इवेन डिजिट आपका है 2, 4 एंड 6 ठीक है। तो देखिए 2 + 4 + 6 = होता है 12 ठीक, और इवेन डिजिट की संख्या कितना है 2, 4, 6 मतलब 3, तो आप कहो जाएगा 12/3 कितना आना चाहिए, देखिए 4 आ गया ना, इसका मतलब है कि सही है, लेकिन आपका क्वेश्चन था शायद ऑड का डिजिट का, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर देंगे ऐसे, अब हम लोग ऐसे करेंगे ठीक है। सर, हमारे क्वेश्चन में ऑड इवन का क्या ऑड इवन का नहीं था लिखा हुआ? हेलो, आपका आवाज फिर कट गया। सर टोटल नंबर का था ना, मतलब सब नंबर को सम करके उसको उतने नंबर से डिवाइड देने का। तो इवन ऑड का नहीं है, टोटल का है एवरेज? हाँ टोटल का है। हाँ सर नहीं सर, ऑड का भी है। अच्छा ऑड का देखिए, है सर। अगर इवन ऑड का तो समझ गए, ऑड का है ना, क्वेश्चन कोई नंबर बात थ्री नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री। अरे हो जी सकता है ऑड कि का है आप कोई ऑड लिखा हो, कोई ऑड लिखा हो, कोई नहीं लिखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सर, लेकिन ऑड अच्छा का है ही कि है। सब समझ लीजिए, टोटल नंबर का भी है ना एवरेज निकाल दीजिए, इवन का भी निकाल दीजिए, ऑड का भी निकाल। अभी देखिए ऑड वाला है, तो ऑड वाला में आ जाएगा आपका 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये 3 डिजिट है, तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 मतलब कि हो जाएगा 9, और 9 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये भी सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं टोटल का निकालना है तो आप कंडीशन यहाँ से हटा दीजिए, इसको हम कमेंट बना रहे हैं ऐसे ठीक है ऐसे। अब क्या करेगा, अब जो डिजिट मिलेगा उसका सम निकालेगा और उसको काउंट कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल ऐसे ठीक है। अब देखिए ऐसे ठीक, अब टोटल का सम कितना आ रहा है, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना हो गया 10 एंड 5 15, और टोटल नंबर और टोटल काउंट कितना करेंगे तो 5 डिजिट है, तो 15/5 कितना आएगा 3, तो ये हो गया आपका टोटल का, समझ गया ना। तो जिसको जो अच्छा लगता हो नोट करेंगे, ये टोटल का प्रोग्राम हो गया, और ऑड का प्रोग्राम में ये वाला हटा देंगे, दोनों स्लैश कमेंट वाला लाइन हटा देंगे, तो ये हो जाएगा ऑड का प्रोग्राम कि ऑड नंबर के एवरेज और नंबर ऑड डिजिट के एवरेज कैसे निकालते हैं ठीक है। तो छपाई कर लीजिए, तो यहाँ पे सेम नंबर 10 टाइम जाने के बाद सर ऐसा हो रहा है ना कि मतलब कुछ गलत दे रहा टेन है, पता नहीं क्या। नंबर 10 डिजिट जाने के बाद गड़बड़ हो सकता है ना,
वो अपना अपना कंपाइलर की कैपेसिटी पे निर्भर करता है ना। तो अच्छा, ये प्रॉब्लम है ना कंपाइलर का है, उसमें दिमाग मत लगाइए। जो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग को लॉजिक में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो जरूरी है सीखना, क्योंकि यही लॉजिक काम देगा, समझिए। नियम सही होना चाहिए बस, बाकी तो अपना क्षमता है लैंग्वेज का। अब सी लैंग्वेज इतना ही बढ़िया रहता या सब कुछ सी में ही पाया जाता तो आप ही बताइए, सी प्लस प्लस जावा और ये सब क्या कहते पाइथन वगैरह क्यों बनता है ना। लेकिन नया नया लैंग्वेज नया नया टाइम में आया ना, इसलिए आया कि बहुत सारे पुराने लैंग्वेज में ड्रॉबैक थे, त्रुटियां थे, उसको नया नया लैंग्वेज दूर किया, समझ गया ना। और कोई क्वेश्चन नहीं सर, ये वो हो गया ना, ठीक। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, अच्छा पाया, रिवर्स में प्रिंट करने का था, रिवर्स में प्रिंट करने वाला तो सबसे आसान था। जैसे देखिए, वो तो बन गया। अगर हम इसी को हटा दें और ऐसे लिख दें प्रिंट एफ परसेंट एल डी ऐसे और एम ऐसे है ना, बाकी ये सब हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब ऐसे कीजिए, इसको रन करेंगे, अब देखिए ये डाल रहे हैं नंबर और पर्चे नहीं लगाया, आया देखिए उल्टा है, जो नंबर डाले उसके रिवर्स में उल्टा कर दिया ना, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये नंबर जो है ना पीछे से है ना रिमाइंडर ले रहा है, उसी को प्रिंट कर रहे हैं। तो लास्ट वाला रिमाइंडर उसको प्रिंट किया, फिर लास्ट वाला रिमाइंडर उसको प्रिंट किया, तो ये उल्टा प्रिंट कर दिया, पीछे से प्रिंट कर दिया। क्लियर सर, नेगेटिव नंबर कैसे प्रिंट होगा सर? निगेटिव नंबर मतलब समझे नहीं, जैसे हम यूजर से इनपुट लिया 5 तक का कोई भी नंबर n, तो -5 टू 5 तक प्रिंट करना होगा तो कैसे होगा? -5 से 5 तक मतलब, हम क्वेश्चन ही समझ रहे हैं। देखिए ये नंबर के लिए नहीं है, हमेशा रखिएगा, हम लोग अभी जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना वो डिजिट के लिए, मतलब अंदर में जो डिजिट है उसका क्वेश्चन है ना। क्लियर? तो नेगेटिव इंटीजर कैसे प्रिंट होगा? अच्छा, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे -1, 2, 3, 4 इनपुट किए तब, वही करना चाहते हैं ना सर? हम इनपुट किए +4, हाँ, लेकिन आउटपुट सर जो मेरा आएगा ना वो -4 to 4, ऐसा हो सकता है? इनपुट किए +4 और आंसर आना चाहिए -4। ये ना सर, रिवर्स ऑर्डर में 4, 3, 2, 1, 0 और फिर -1, 2। ये तो लूप का प्रॉब्लम है, आप खुद बनाइए, ये तो आसान प्रॉब्लम है। जो लूप जो है ना, ठीक है, अगर आप 4 आप किए, ठीक है, तो आना चाहिए -1, -2 से लेके 4 तक, है ना। ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल लूप का है, ये व्हाइल के लिए नहीं है, तो फॉर के थ्रू ही बन जाएगा, कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। और कोई क्वेश्चन है? हो गया सब सर? है, अभी तो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, वही क्वेश्चन तो हार्ड लग रहा था। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट वाला जो था वो वाला, और एक पैलिंड्रोम नंबर को प्रिंट है कि नहीं उसको चेक करके प्रिंट करना था। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट, यही सही बात है, ये दोनों ज्यादा हार्ड था, ठीक है। तो ये लोग कोई बनाए भी हैं क्या? नहीं सर, बनाए तो हैं ले बनाए हैं, हाँ सर। रन कर सर, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सर? फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट डिजिट को सब निकालना। हाँ सर, बना लिए है, मोचन सर मेरा सब बन गया है। नहीं सर, लेकिन सर हम डेव सी प्लस प्लस पे कंपाइल कर रहे हैं, उस पर हो जाता है, इस पर पता नहीं अब कर रहे तो नहीं हो रहे।
कह रहे हैं कि किसी पे भी कंपाइल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली ये है कि बन जाना चाहिए, ठीक है? हम्म, सर बन गया है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट वाले का, सर मे बी आपका माइक ऑफ है सर। हाँ ठीक, एक और होमवर्क, अभी जो है ना अनंत सर का जुड़ने का टाइम हो गया है, तो हम लोग एक और होमवर्क जो है वो हम दे देते हैं आपको, वो आप पे बनाएंगे, नया होमवर्क है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करना। तो लिखेंगे इनपुट ए नंबर एंड चेक फॉर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, इनपुट ए नंबर एंड चेक फॉर आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। देखिए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर कैसे बनाएंगे या उसको कैसे चेक करना है, वैसा नंबर जिसका प्रत्येक डिजिट का क्यूब का सम वो खुद नंबर हो जाता है। कैसे? देखिए 153, 153 है ना, इसको आप है ना एक डिजिट निकालिए 3 को, इसका क्यूब कीजिए कितना आएगा, 27 आएगा, फिर 5 को निकालिए, इसका क्यूब कीजिए 125, फिर 1 का क्यूब कीजिए है ना 1, ये तीनों क्यूब को जोड़ेंगे ना तो 153 खुद हो जाएगा। तो ऐसे ही नंबर को आर्म स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, जिसके प्रत्येक डिजिट का क्यूब का सम फिर वही नंबर बन जाता है, समझ गए ना, इसको बनाना है। ओके ठीक, तो आप लोग 2 मिनट वेट करेंगे है ना, सर ऐड हो रहे हैं।